देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन लेके आए हैं। हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर शुगर लेवल इतना हाई होता है तो इंसुलिन देना जरूरी है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेजें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।